उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में अंग्रेजी विषय का टोटल 15वें नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और हाँ, ये सभी प्रश्न ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। अगर आपको ये किताब अच्छी लग रही है और इसे आप खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टोर से इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो सबसे पहले डायरेक्शन दिया है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1-5। पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और पैसेज से जो 5 प्रश्न बनेंगे उनको आंसर करेंगे। पैसेज है द मॉडर्न ज्ञान पांडा इज ओवर 5 फीट लॉन्ग बट इट अर्लिएस्ट नोन एंचेस्टर वाज जस्ट अबाउट 3 फीट लॉन्ग सेड रिसर्चर्स हु अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ स्कूल बिलोंगिंग टू द इलुपोरोडा मैक्रोटा और पद्मी ज्ञान पांडा सो फॉर रिसर्च ऑन द एनिमल वॉच बेस्ड ऑन बोन फ्रेगमेंट एंड टीथ द स्कूल इज सेड टू बी अबाउट 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड स्टडीज ऑफ द टीथ सो दैट। इसके बाद आगे है देखिए पैसेज द एशियंट एनिमल ऑल्सो फीड ऑन बॉम्बो विच ज्ञान पांडा स्टिल ईट देयर वर नो मेजर ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस बिटवीन द एशियन पांडा एंड द मॉडर्न वन सैड रिजल्ट एल चूसन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ क्योंकि फ्रॉम द टर्म्स मॉडर्न जैन पांडा बी मे इन्फियर दैट। तो ए ऑप्शन आपका इवन पांडा कैन अप्लाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है पांडा में चेंज विद टाइम पार्टिकुलरली इन इट्स साइज एंड शेप सी है पांडा लुक्स मॉडर्न बिकॉज इट इज डेवलप्ड इन वेस्टर्न रिसर्चेस डी है पांडा ऑफ दिस डेज इन वेरी नियर टू ह्यूमन बीइंग्स। प्रश्न संख्या एक में आपका बी ऑप्शन राइट होगा पांडा में चेंज विद टाइम पार्टिकुलरली इन द इन इट्स साइज एंड शेप। दूसरा प्रश्न है भार्ट वाज द डिस्कवर्ड एंड अनाउंस्ड बाय द रिसर्चर्स ए ऑप्शन है ए रिलेटिवली स्मॉलर पांडा बी है ये रिलेटिवली लार्जर पांडा सी है एन एशियन पांडा विच हैड ईवर स्कूल डी है नन ऑफ दिस। प्रश्न संख्या दो आपका ए ऑप्शन राइट होगा स्मॉलर पांडा ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे रिसर्च एंड एनिमल इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल असम्पशंस डी है द लिटरेचर एंड स्कल्पचर फाउंड ऑफ द टाइम सैमसन ऑन चेंज सपोर्टेड बाई कंप्यूटर एनालिसिस डी है स्कूल एंड टीथ फाउंड ऑफ द एनिमल। प्रश्न संख्या तीन तो करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीड ऑन बॉम्बो मीन्स यूज्ड टू लिव ऑन बॉम्बो डी ऑप्शन है their feed up with bamboo they are used to live in the house or structure meant of bombays they are used to eat bamboo। प्रश्न संख्या चार आपका डी ऑप्शन राइट होगा used to eat bamboo खाने के लिए बांस का प्रयोग भी करते थे ठीक है। इस तरीके से देखेंगे अगला प्रश्न ध्यान देर इज नो मेजर एनाटोमिशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू एनिमल्स ए ऑप्शन है दे आर मोर और लेस स्मॉलर इन स्ट्रक्चर
दे हैव स्मैलिटी ओनली इन देयर ईटिंग पैटर्न दे हैव ओनली देयर हेड स्कूल विल बी स्मैलर दे हैव नन ऑफ दिस। प्रश्न संख्या 5 आपका इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 6 चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ए ऑप्शन ऑनेस्ट पीपल आर ट्रस्टेड, बी है एन ऑनेस्ट पर्सन इज ट्रस्टेड बाय आल, सी है द ऑनेस्ट पर्सन इज ट्रस्टेड बाय आल, बी है ऑनेस्टी इज द वाइडली एक्सेप्टेड। प्रश्न संख्या 6 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है इन विंटर पीपल डू नॉट टेक ए बाथ। ए ऑप्शन है नो बाथ इज टेकन बाय पीपल इन विंटर, बी है ए बाथ इज टेकन बाय पीपल इन विंटर, सी है पीपल डू नॉट टेक बाथ इन विंटर, डी है द बाथ इज नॉट टेकन बाय द पीपल इन विंटर। प्रश्न संख्या 7 आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो 8वां प्रश्न देखिए आई एम श्योर आई हैव मीट योर गर्लफ्रेंड बिफोर, वर्ब प्रीपोजिशन इंट्रोजेक्शन या एडजेक्टिव। प्रश्न संख्या 8 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ये आपकी मीट क्या है वर्ब है। 9वां प्रश्न है बेल आई डू नॉट आई थिंक आई विल बी एट होम बिफोर 6, बताना है वेल क्या है, इंटरजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है या नाउन है। प्रश्न संख्या 9 आपका राइट आंसर ए होगा, ये आपका इंटरजेक्टिव है, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द फीमेल जेंडर ऑफ विजार्ड, फेरी बीच लिजार्ड या घोस्ट। तो देखिए फीमेल जेंडर बताना है इसमें क्या है, बी ऑप्शन बिच, बिच मीन क्या होता है हिंदी में बताएंगे आप कमेंट करके। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टेड नाउन, गलत कलेक्टेड नाउन बताना है कौन सी है, स्केसर्स आर्मी शीप्स या डॉटर्स इन लॉ। आपका सी ऑप्शन राइट होगा शीप्स। प्रश्न संख्या 12 12वां प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है प्लीज सी माई प्रेटी फैक्टिस, बी है बी प्लीज लुक एट माई सर्टिफिकेट्स, सी ऑप्शन है प्लीज लुक इनटू माई सर्टिफिकेट्स, डी है प्लीज सी इनटू माई सर्टिफिकेट। तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा, प्लीज लुक एट माई सर्टिफिकेट। प्रश्न संख्या 13 विच कंजक्शन विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ही लॉस्ट द प्राइज ही ट्राइड हिज बेस्ट, दाउ एज बिकॉज या फोर। प्रश्न संख्या 13 आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग सुफिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रीवेंट, आई सेवल इंग या ईसिस। प्रश्न संख्या 14 आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आइडेंटिफाई द फ्रेशल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डीप्स ब्रोक इन टू द ब्लैंक इन द मिडिल ऑफ एट नाइट। तो थीप्स ब्रॉक्स ब्रॉक्स इनटू द बैंक या मिडिल ऑफ द नाइट। आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा ब्रोक इनटू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब, बताना है मॉडल वर्ब क्या है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बी ही इज फ्लाइंग काइट, हिज फादर नोज बी नोज मी वेल, डी ए हर मदर आउट टू नो हार्ट शी इज डूइंग इन मुंबई।
सोलहवां प्रश्न आपका डी राइट होगा। प्रश्न संख्या 17, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन भरेंगे। अशोका इज वर्दी रिमेम्बर्स, तो यहाँ पर बताना है फॉर होगा, विद होगा, एट होगा या ऑफ होगा। देखिए रिमेम्बरेंस के आगे क्या लगाते हैं, हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज पॉजिटिव पॉसेसिव प्रोनाउंस, तो ही कुड नॉट हेल्प मी, बी है रमेश, हु इज माई ग्रैंडसन इज रीडिंग ए पोएम, सी है हर सिस्टर, डी है आवर इज ए वास्ट कंट्री। प्रश्न संख्या 18 आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी वन, ही कैन नॉट स्पीक वेल, यू आर रियली वेरी काइंड, सी है सी इज नॉट सी इज ए स्मॉल क्रिएचर, डी है हाउ ब्यूटिफुल इज द मॉर्निंग टूडे। 19वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, मैनी अटेम्प्ट्स मोड ऑफ एवरी वर्ड फ्रॉम ए डीलर इन एंटीक्यू बाय द कस्टम्स अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट, एन एक्सीड कंसिस कैक्टेड रिजेक्टेड या अप्रोप्रिएटेड। प्रश्न संख्या 20 आपका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, हार्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, टू मास्टर, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स या नो मैन। 21वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, डी ऑप्शन, ठीक है, नो मैन। अगला प्रश्न है, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वाज बॉर्न इज ए सिंपल सेंटेंस, ए कंपाउंड सेंटेंस, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 22वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए प्रोपोजिशन, बियॉन्ड एंड एट या नाउ। 23वां प्रश्न आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा बियॉन्ड। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, ए ऑप्शन है पीस, बी है पेस, फेस, सी है नेक, डी है फनी। तो इसमें देखिए एडवर्ब बताना है और एडवर्ब क्या है यहाँ पर, ए पीस, ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, तो सेंटेंस है, कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट वुड नॉट कीप अस अवेक, ये ऑप्शन है, कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप एज अवेक, बी है द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप एज अवेक, सी है द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो इट वॉन्ट कीप अस अवेक, डी है द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो एज कीप अस अवेक। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस, ए ऑप्शन है टू ऐड टू टू देयर ट्रेवल्स द सेंटेंस रन अवे, बी हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बिगर एनीथिंग, सी ऑप्शन है आई लव्ड हिम बिकॉज He has my friend. D है the servant ran away and added the their troubles. प्रश्न संख्या 26 राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 है, फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, माई स्टूडेंट्स ऑलवेज डू देयर होमवर्क,
ए ऑप्शन है माय स्टूडेंट, बी है ऑलवेज डू शेयर देयर होमवर्क, और डी है ऑलवेज डू देयर होमवर्क। प्रश्न संख्या 27, इसमें आप डी ऑप्शन राइट लगाएंगे, ऑलवेज डू देयर होमवर्क। प्रश्न संख्या 28, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ए ऑप्शन है कंपरेबल, बी ऑप्शन है कमेटी, सी ऑप्शन है कंसियंस, और डी ऑप्शन है कमीशंस। 28वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 29वां प्रश्न है, व्हाट इज द मस्कुलाइन ऑफ पिग, जैक, बुल, जैंडर या बोर। प्रश्न संख्या 29 में बताना है, तो देखिए 29 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोर। ठीक है, बोर पे आप टिक लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 30, फिल इन द ब्लैंक विद एडजेक्टिव, हाउ ऑरेंज, हाउ खालिस्तान है, ऑरेंज डिड यू पुट इन द बॉक्स, मच, मैनी, फोर या फाइव। प्रश्न संख्या 30, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, मैनी। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा, इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखें, आगे आने वाले ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको समय पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।